अस्सलाम वालेकुम क्लास, प्लीज़ वेट कीजिए ताकि हमारे बाकी क्लास फेलोज भी हमें ज्वाइन करें। मैं ये लिंक सेंड कर दूँ, वैसे तो ऑलरेडी मालूम है। बिल्कुल जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा वेट कीजिएगा प्लीज। ओके, मैं तो पार्टिसिपेंट्स को भी एडमिट कर लूँ। ओके, जी क्लास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज मुझे बता दीजिएगा। यस सर। एक मिनट और भी वेट कीजिएगा, मैं आपको अभी कंटिन्यू करता हूँ। हमारी एक इंस्ट्रक्शंस भी हैं, नई इंस्ट्रक्शंस, उनको भी हमें फॉलो करना है। और इंस्ट्रक्शंस हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं, तो इसलिए उनको फॉलो करना ज़रूरी है। क्लास देखिए, आपकी जो आप इस वक्त एंटर हुए हैं, आप 16 स्टूडेंट्स जो एंटर हुए हैं, इसमें आपके नेम्स और आईडीज, कंप्लीट आईडीज यहाँ पे विजिबल होने चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आप प्लीज़ क्विट कीजिए और री एंटर होइए। सभी लोग, जैसे मीर जवाहिर, मेरे ख्याल से आपने यहाँ पर कंप्लीट लिख दिया कि आपका ये जी। इसी तरह से हसन खान अमीर, आपकी भी यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स हैं। इसी तरह से आप बाकी स्टूडेंट्स, हसन खान अमीर हैं और आमिर हुसैन हैं, आप प्लीज़ यहाँ से क्विट कीजिए। बाकी सब लोग फिर हम कंटिन्यू करते हैं। और फिर आप तजीम मोहम्मद इकबाल, आपने भी ठीक लिख दिया, और मेरे ख्याल से आप 4-5 स्टूडेंट्स ने ठीक लिख दिया। बाकी जिन्होंने सिर्फ, जैसे रुबेल कादिर ने 548 लिख दिया है, आप प्लीज़ अपना कंप्लीट लिख दीजिएगा डिटेल्स। जैसे बाकी स्टूडेंट्स ने लिखा है, मैंने आपको बता दिया, क्विट कीजिए और दोबारा लिखें, ज्वाइन करें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। ये इंस्ट्रक्शंस हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप प्लीज़ डिसकनेक्ट होइए यहाँ से। मैं आपको दोबारा से एडमिट कर दूँगा, लेकिन आप कोई भी स्टूडेंट कंप्लीट डिटेल्स के बगैर एंटर होना यहाँ पे मना कर दिया गया है। प्लीज थैंक यू वेरी मच, माइंड नहीं कीजिएगा। आप प्लीज़ ज़रा बताइएगा स्टूडेंट्स को, जबीर शमशाद अली,
जी आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप स्टूडेंट्स इस वक्त मेरे पास जो ज्वाइन हो चुके हैं सिर्फ वो हैं जिन्होंने मुझे सही तरह से लिख के बताया। आप कोई एक स्टूडेंट ग्रुप पे बता दीजिएगा दैट विदाउट, जैसे इस वक्त परमंत कुमार और फाकिद अवान और हसनैन यूनुस ऐश्वर्या ये सब वेट कर रहे हैं, इनको मैं परमिट नहीं कर सकता। ठीक है, प्लीज नीचे कीजिएगा अपने कंप्लीट रोल नंबर या डिटेल्स जो भी आपके हैं उससे आपको यहाँ पर कनेक्ट होना है। ये मैंने ग्रुप पे बता भी दिया है, मैं इन स्टूडेंट्स को इस वक्त एडमिट नहीं कर सकता हूँ। इसमें राबिल कादिर एक और हैं जिन्होंने ठीक ठीक लिख दिया, उनको मैंने एडमिट कर दिया। आप बाकी आपस में कम्युनिकेट करके उनको बता दीजिएगा। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है, प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। अभी हम क्लास शुरू करते हैं, ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम शुरू का इशू रिजॉल्व कर लें और ये जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स सबको समझ में आता है और सभी माशाल्लाह समझदार स्टूडेंट्स हैं और ये अभी हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं ये ओके क्लास, बस ये एक दो और ताकि फिर हम काम शुरू कर सकें। ये शुरू में इन बातों में कभी कभी टाइम लग रहा होता है। क्लास सर, मुझे आप चैट में बताइएगा कोई एक स्टूडेंट कि आपके जो ये लिखा होता है, जैसे कि मेरे पास गुलाम नबी का लिखा हुआ है B192021, अभी आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या चीज़ है, कोई एक मुझे बता दें। रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। और जो आप मुझे बाकी लोग लिखकर बता रहे हैं, जैसे कि अली जरियाब ने लिख कर मुझे बताया 561 BCOM/19-S/10, ये कंप्लीट क्या चीज़ है आपकी? जी अली जरियाब, आप तो सुन रहे हैं ना? नहीं अली जरियाब, आपने जब ये बताया है मुझे, अच्छा ये सीट नंबर है B19, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है किस तरह से, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे लिख के बताएं, कोई भी एक स्टूडेंट चैट में लिखकर बताइएगा। चैट में मुझे कोई सीरियल नंबर लिखकर बताइएगा। सर ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सीट नंबर है B19। ओके, आपने फॉर एग्जांपल मुझे लिखकर बताया
कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये अली जरबियात में मुझे लिखकर बता दिए रजिस्ट्रेशन नंबर। जी मैं भी यही चाह रहा हूँ कि मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर ही लिखकर बता दिया जाए, जैसे आप अली जरबियात आपने लिखे बताया 561 BCOM/19-S/10 इसी तरह से। यही मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ। और इस वक्त हमारे पास आई थिंक ऑलमोस्ट सभी हो गए हैं और वेरी गुड, बस ये हो जाए तो मैं आपसे फाइनल वर्डिंग्स कर लूँ और फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास आपने सभी ने ज्वाइन कर लिया है और मेरे ख्याल से ये एक दो और लोग हैं जो बस ज्वाइन होने वाले हैं। ये सागर कुमार को कोई आप स्टूडेंट बताएं। सागर कुमार को भी समझ में नहीं आई बात, हालांकि मैंने ग्रुप पे मैसेज कर दिया था, उनको अभी पता नहीं चला है। आप कोई स्टूडेंट सागर कुमार को बताते, मैं उनको एडमिट नहीं कर सकता। और ये हामिद भी एक है स्टूडेंट, ये भी कंप्लीट नहीं लिख रहे हैं। कंप्लीट क्यों नहीं लिख रहे हैं? हालांकि मैंने आपको बताया कि आप कंप्लीट लिखिए। हम अभी शुरू करते हैं अपनी क्लास लेक्चर। जी हाँ, हमारे पास माशाल्लाह इस वक्त 20 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं और बस एक दो अभी और होंगे, उनको भी अभी बता देंगे। क्लास हम कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बस क्लास थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, क्योंकि इस रूल की इम्प्लीमेंटेशन का आज पहला दिन है, इसलिए जो स्टूडेंट्स जिनको नहीं मालूम उनको बस अभी चंद मिनट और लगेंगे शायद, मेरे ख्याल से होते चले जा रहे हैं सब लोग एडमिट। और माशाल्लाह 21 हो गए इस वक्त हमारे पास स्टूडेंट्स। चले क्लास, अब जो भी आएंगे वो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे या बाद में देख लेंगे। आपको मैं दो तीन इंस्ट्रक्शन बता दूं कि आपको लास्ट क्लास में भी बताया था या जो भी है, अभी मैं दोबारा से बात बता रहा हूँ कि आपकी अटेंडेंस के लिए आपको अपना कंप्लीट नेम जैसे आप अभी लिखकर बता रहे हैं, मैं दोबारा एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि अल्फाबेटिकली सबसे ऊपर मेरे पास जो नाम लिखा नजर आ रहा है वो अली जरियाब का ही है, तो मैं इत्तेफाक से अभी पहले भी उनकी ही बात कर चुका हूँ तो मैं अभी भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अली जरियाब ने मुझे जो मुझे उनका नाम डिस्प्ले हो रहा है 561 BCOM/19-S/10 इसी तरह से बाकी सब स्टूडेंट्स ने भी ठीक लिख दिया, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है कि आप सब ने सुना अमल कर लिया, ज़बरदस्त बात है। अब प्लस आप चैट में जितना आपने चैट कर लिया बस अब उसके बाद और मत कीजिएगा, इसके बाद आप अपनी यही नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर इसी तरह से चाहे तो कॉपी कर लीजिए यहाँ से वहाँ ला कर पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि जब चैट रिकॉर्ड मेरे पास बाद में मौजूद होगा तो मैं वहीं से ही आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगा, ठीक है? तो इसलिए आप मुझे सभी लोग सभी स्टूडेंट्स जो इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मुझे यहाँ पर सेंड कर दीजिए। और जी हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, आप सभी इसको कॉपी करें जो आपको लिखा नज़र आ रहा है
और कॉपी नहीं हो रहा है तो दोबारा से टाइप कीजिए। और आसान तरीका ये होता है कि आपके 40 मिनट्स के तीन सेशन होते हैं 2 आवर ड्यूरेशन क्लास के लिए, तो इसके लिए आप एक नोट पैड फाइल ओपन कर लिया करें, उसमें लिख लिया करें, और वहीं से जूम ज्वाइन करने के लिए या अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए उसी से ही आप कॉपी पेस्ट करते रहा करें, जो कि आसान तरीका हो जाता है। जी आप ये समीर नदीम, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने नेम लिखा था, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा, जैसे आपने अभी एडमिट होते वक्त लिखा था ना, बिल्कुल वो ठीक था, उसमें आपने लिख दिया था, बिल्कुल परफेक्ट था। सिर्फ नाम लिखिए और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए, कुछ आपको इतने स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी इतनी, मैं चाह रहा होता हूँ कि काम सिंपल हो लेकिन कंप्लीट करना भी ज़रूरी होता है। आमिर हुसैन, आपने सिर्फ नाम लिखा है, इस तरह अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर आपको ये, अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो फिर इंतहाई अफसोस की बात, माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज। आमिर हुसैन, मैं इस तरह से मार्क नहीं कर सकूंगा, मुझे क्लियर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कंप्लीट नेम, जिनका नाम मुकम्मल, अगर मोहम्मद है शुरू में या सैयद है या सैयदा है, तो आप प्लीज अपना नाम कंप्लीट लिखिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर अटेंडेंस मार्क नहीं की जाएगी। ठीक है, आप जिन्होंने लिखा है, जैसे आप आमिर हुसैन, आप अब पूरा लिख रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, इंग्लिश में वर्ड लिख रहे हैं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने लिखा आमिर हुसैन और उसके बाद लिख दीजिए 503 BCom/19-S, ये अंडरस्कोर नहीं है, मेरे ख्याल से ये -S/10 है। ठीक है, तो इस तरह से बस लिख दिया करें, इतनी लंबी इंग्लिश वर्डिंग्स लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आप पे बर्डन नहीं डाल रहा होता, कोशिश करता हूँ कि जितने कम काम हो सके उतना ही काम करें। ये मैमूना मुश्ताक है, इनको भी कोई बता दें कि इनको मैंने एडमिट नहीं किया है क्योंकि ये प्रॉपर रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है तो इनको भी समझ में आ जाना चाहिए है। और इसी तरह से हमारे पास मोहम्मद इकबाल हैं, आपका भी सही तरह से नज़र नहीं आ रहा है। मोहम्मद इकबाल, आप भी चेक करें, आपका पार्टिसिपेंट्स में जो नेम नज़र आ रहा है वो मुझे प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है। अली मोहम्मद, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर वही लिखा हुआ है परमानेंट, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बाकी स्टूडेंट्स का भी तो देख रहे हैं ना, जैसे आखिर में लास्ट स्टूडेंट मेरे पास हैं तौहीद अहमद, या मैं बल्कि आपको बताऊं कि जैसे थर्ड लास्ट मेरे पास हैं तजीन मोहम्मद इकबाल, या उससे ऊपर हैं शरीफुल्ला, या उनसे पहले हैं हमारे पास शरीफा यूनुस। ये सब स्टूडेंट्स अगर सही लिख रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं लिख सकते सही तरह से? मैं सबके नाम तो कॉल नहीं कर सकता, बाकी सबने भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन जो जिनका नहीं है REGISTERATIONNUMBER, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नाम लिखिए कंप्लीट एंड राइट योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, यहाँ डिस्प्ले करने के लिए भी और इस तरह से। ठीक है, चलें क्लास, अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये बातें तो आपको मैंने बता दी हैं, आपको समझ में आ गया होगा। जो सही कर देंगे मैं उनको एडमिट कर दूंगा। मोहम्मद इकबाल का सही नहीं है, वो ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन माजरत, मैं उनको एडमिट नहीं कर सकता। ठीक है, और अभी ऐश्वर्या वीरम को मैंने इंटर कर दिया क्योंकि उन्होंने करेक्शन कर दिए, बिल्कुल सही है। चलिए क्लास हम कंटिन्यू करते हैं, ये आपको बता दिया है, आपको समझ में आ गया है, अब आप उसमें काम करते रहिए। ओके, एक मैं ऐसा मैसेज और कर दूं आप लोगों को।
या तीन चार स्टूडेंट्स मैसेज भेज रहे हैं, मैं आपको चैट में जाकर उनके मैसेजेस तो एक ही करके उनको आंसर नहीं कर सकता ना, तो एक मिनट जरा मैं आपसे एक बात और डिस्कस कर लूं बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर. ये स्टूडेंट्स कुछ हैं जो ज्वाइन हो रहे हैं, हो चुके हैं. परमानेंट आपका डिफरेंट क्यों है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे डिफरेंट क्यों नजर आ रहा है या इनकम्प्लीट क्यों नजर आ रहा है? इसी तरह से अली मोहम्मद, आपका मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर और तलहा मलिक, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्मेट बाकी सब स्टूडेंट्स से डिफरेंट क्यों नजर आ रहा है? आपके सीआर क्या यहाँ मौजूद है क्लास? मुझे टेक्स्ट में बताइएगा, चैट में बताइएगा, क्या सीआर मौजूद है यहाँ पर? सीआर कोई है आपके पास और वो क्या मौजूद है यहाँ पर? Who is CR here? चले बस हम क्लास शुरू करते हैं. क्लास एक सेकंड में आपको एग्जांपल दे रहा हूं. जी हाँ, तलहा मलिक. जी, तलहा मलिक आप सीआर हैं हमारे. आप देख लीजिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको, हालांकि आप के पास भी मैसेज आ रहे होंगे मेरे, जो मैंने लास्ट मैसेज अभी भेजा है, आई एम रिक्वायरिंग दिस फॉर्मेट. फॉर एग्जाम्पल आमिर हुसैन, क्योंकि आमिर हुसैन का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था, आमिर हुसैन 503 BCOM/19, मैं बार बार रीड कर चुका हूँ. यही आप अपने स्टूडेंट्स को मैसेज करके उनको बता दीजिए जिनको प्रॉब्लम या इशू आ रहा है, और उनको कहेंगे वो प्राइवेटली मुझे मैसेज मत किया करें, ग्रुप पे आपसे कॉन्टेक्ट करें और आपको आप उनकी हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ गाइड कर दीजिए साथ साथ. हम लेक्चर भी शुरू करते हैं और आप उनको बता भी दीजिए. ओके क्लास, मैं आपसे फाइल शेयर कर चुका हूं और अब हम बात शुरू कर रहे हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फॉर फर्म्स विद मार्केट पावर. तो ये हमारे पास टॉपिक है आज का, जिसको आज हम यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये हमारा है चैप्टर 11. ठीक है, इसमें भी डेफिनेटली हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं ताकि हम एक नए टॉपिक की तरफ मूव कर सकें, और ये नए टॉपिक में हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में जितना हमसे रिलेटेड है, हम कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं. मैं इन स्टूडेंट्स को जिनके थोड़ा इनकम्प्लीट है इस वक्त मैं एंटर कर रहा हूं,
लेकिन ये मैं आज इसके नेक्स्ट में एंटर नहीं कर सकूंगा। ओके राइट। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फॉर फर्म्स विद मार्केट पावर, ये भी आज का चैप्टर इत्तेफाक से वैसे ही है जो हम बुक में से पढ़ेंगे, जो आपको मैं वर्ड के नोट्स आपकी बुक में से सिलेक्टेड टेक्स्ट के थ्रू बनाकर दिया करता था, वो इस वक्त नहीं है। अभी प्रिपेयर नहीं हुए थे कुछ मसरूफियात की वजह से, और आपका चैप्टर 10 भी अभी ड्यू है, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा, और ये भी आपको भेज दिया जाएगा। दोनों चीज़ों को मार्क करके आपको भेज दिया जाएगा, दोनों चैप्टर्स अलग अलग आपको वर्ड फाइल्स भेज दी जाएंगी जैसे आपको पहले भेजे जाते हैं, ठीक है। और हम कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर में क्या है और हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे। एक इंट्रोडक्शन है यहाँ पर चैप्टर का, इसमें भी कुछ बात की जा रही है, और इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन होता है ये आपको रेफर करता है कि साउथ को बुलाओ, कहाँ साउथ, तो जल्दी आ जाओ, करेक्ट करो, इसमें पैकेज लगाओ। ये जल्दी पैकेज लगाओ, पता नहीं है इसमें है कि नहीं।